सरसा की ग्रीवेंसी कमेटी की पहली मीटिंग में मेरा आना हुआ है और मेरे सामने ये 19 मुद्दे थे जिनमें से 13 का समाधान हो चुका है, 6 को मैंने पेंडिंग रखा है। 6 में से एक केस पुलिस का था जिससे कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं था, तो जिला पुलिस से उसका आदेश दिया है कि क्राइम ब्रांच स्टेट क्राइम ब्रांच में उसका केस को ट्रांसफ़र कर दे। और जो पेंडिंग रखे हैं उसमें स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि अगली मीटिंग तक क्या क्या कार्रवाई इनको अधिकारियों को करनी है। और अधिकारियों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर ज़्यादा शिकायतें आती हैं तो इसे माना जाएगा कि आप जनता की सुनवाई करने में कोताही बरत रहे हैं। और हमारा मकसद यही है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और हम जनता के सेवक हैं। ये जो लोकतंत्र की खूबी है, जो हमें अधिकार दिया गया है वो जनता के द्वारा दिया गया है, और उनकी सेवा करना चाहे वो अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सबका हमारा दायित्व है। और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की समस्या यहाँ सरसा ज़िले की जनता को ना रहे, इस भाव से हम सब काम करेंगे। और हर महीने मैं मीटिंग लूँगा और उसके बाद जो है ओपन, हमने कहा कि जितने भी शिकायत नए शिकायत करता है उनसे कहा कि आप शिकायत लेके आए, और जितनी मेरे पास शिकायतें आई उनको सबको मार्क कर दिया मैंने, वो अगली मीटिंग में हम उनको उठाएंगे। एक शिकायत थी कि नगर परिषद के यो ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे, उसने कहा कि मैं कोर्ट में चला गया, जबकि उसको चाहिए था कि उसको कंस्ट्रक्शन की उसके संज्ञान में आ गई थी तो उसके पास खुद का अधिकार था कि वो उसको सील कर देता, उसको तोड़ देता, नोटिस दे देता। तो उसको मैंने आदेश दिया है कि इसका एक्सप्लेनेशन कॉल करके इसको चार्जशीट करें। ये संकट है, मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल फसल थी तब बारिश शुरू में नहीं आई, फिर लास्ट के जो फसल पक गई तो बारिश आ गई, उससे फसल ख़राब होगी, धान में भी पानी भर गया, कपास की फसल ख़राब होगी। दिसंबर के महीने में हमेशा इन दिनों तक बारिश आ जाती थी, अब ना तो उतनी ठंड है ना उतनी बारिश है, चिंता का विषय है ये। और किसान के चेहरे पर भी चिंता है और कृषि मंत्री के तौर पर मैं भी चिंतित हूँ कि किस तरह से देखो क्या आगे होगा। गन्ने का रेट अभी विचाराधीन है, गन्ने का रेट हमेशा से हम सबसे ज़्यादा देते आए, सबसे ज़्यादा जल्दी पेमेंट करते हैं, और किसान तैसी गन्ना ही नहीं, हर चीज़ फैसला हम किसान के हक में हमेशा अच्छा करते हैं, सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं। और आज जो है आप देखिए हमारी इस वक्त में सबसे ज़्यादा पैडी का भाव है, ऑल टाइम हाई है जो कभी नहीं हुआ। कपास का भाव इस साल सबसे ऊंचा है, सरसों का भाव भी पिछले 1.5 साल से सबसे ऊंचा है, गेहूं भी MSP से ऊपर है, बाजरे की भावांतर भरपाई दी है, और जो बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों की सहायता सरसा ज़िले के अंदर भरपूर पैसा मिला है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसान की मदद की जाए और किसी भी तरह से किसान को जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको लाभ से वंचित ना रहने दें। और इस बार हमें यह है कि किसान को पैसा, फसल खराब जरूर हुई है लेकिन भाव अच्छा मिला है। भारत को जोड़ने की इनको क्या संकट आ गया, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और लेकिन इस यात्रा में भी एक अच्छा ही है कि राहुल जी इस देश के बारे में जानकारी कम रखते थे क्योंकि वो विदेश में पढ़े लिखे हैं और सुरक्षा के घेरे में रहे हैं, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं देखता हूँ फोटो उनकी रोज़ कुछ ना कुछ आती है, तो अच्छी बात है कि भारत के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। लेकिन ये टाइम कम है, कम से कम 5-6 साल और यात्रा करें तो भारत के बारे में जानकारी मिलेगी।